उत्तराखंड में बेकाबू होते कोरोना को लेकर हर दिन नई गाइडलाइन जारी की जाती है। ऐसे में प्रदेश में हालात और राज्य सरकार की ओर से इसके नियंत्रण के लिए जा रहे फैसलों की जानकारी देने के संबंध में प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने लगातार राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। हम आपको कुछ बेसिक डेटा दो तीन चीज़ों का बता देते हैं, फिर बाकी हम आपको जो कुछ नई चीज़ें वो हम आपको बता देंगे, जिससे आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। कॉन्फर्म स्टेडियम में 1000 बेड जो है हम लोग उसको ऑक्सीजन बेड के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए अरेंजमेंट लगभग हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली कल से वो भी चालू हो जाएगा हमारा। तो ऑक्सीजन बेड की एक बड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी देहरादून के अंदर ही, आप समझिए कि 1000 से लेकर 1500 के आसपास बेड हम लोग बढ़ा ले जाएंगे। बता दें उत्तराखंड में गुरुवार को करीब 4000 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 19 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। वहीं प्रदेश भर में आइसोलेशन बेड की कुल संख्या 10,375 है, जिसमें से 9,388 आइसोलेशन बेड प्रदेश में अभी खाली हैं। देहरादून से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट।